तो बस आपको दो दुआ करनी, पहली तो इंडिया अपने बाकी बचे दो मैच जीत जाए, और दूसरी दुआ पाकिस्तान भी अपने बाकी बचे मैच जो ग्रुप स्टेज के हैं सुपर फोर के अफगानिस्तान और श्रीलंका के अगेंस्ट बस वो जीत जाए। सवनिक्रम आपने टाइटल भी पढ़ लिया होगा और अभी भारतीय मीडिया का एक छोटा सा क्लिप भी देख लिया होगा, और ये वो बातें हैं जिसकी पाकिस्तानियों ने तो खैर कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब भारतीयों की ये मजबूरी बन चुकी है कि वो पाकिस्तान के लिए बाकायदा दुआएं करते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपने अगले दोनों मैचेस यानी अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ जो एशिया कप में मुकाबले होने हैं वो दोनों जीत जाए ताकि भारत के फाइनल खेलने के चांसेस बन जाए। वैसे हम पाकिस्तानी भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुकाबला एक बार फिर अगले इतवार को भारत के साथ आए और उसमें जो अच्छा खेले वो जीत जाए, क्योंकि हम ना तो भारत के खिलाफ कोई ऐसी गलत फीलिंग्स रखते हैं जो भारत का मीडिया हमेशा पोर्ट्रे करता नजर आता है कि पाकिस्तानी हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जबकि आप इसके बरक्स भारत का मीडिया देखें तो उसमें आपको हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ घटिया बातें ही नजर आती हैं। अब अहम बात यह है कि भारतीय पहली बार पाकिस्तान की जीत की दुआएं करते नजर आ रहे हैं, जिससे हमें तो काफी खुशी है कि हमारे पड़ोसी जो हमारे खिलाफ हमेशा साजिशें करते दिखाई देते हैं पहली बार वो पाकिस्तान के हक में दुआएं करते दिखाई देते हैं, लेकिन बेशक उसमें उनका अपना मफाद जरूर है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एशिया कप का मुकाबला जो फाइनल हो वो हमारा भारत के साथ ही हो। दूसरा, भारत के मीडिया में एक और बहस छिड़ी हुई है कि पाकिस्तानी ISI ने यानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अर्शदीप सिंह जिसने कैच ड्रॉप किया था उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। इस पर आगे चलकर आपके साथ डिटेल में एक वीडियो शेयर करेंगे कि किस तरह ये प्रूव हो चुका है कि वो पाकिस्तानी नहीं खुद भारतीय थे, लेकिन डिठाई की हद है कि भारतीय अभी तक ये क्लेम करते नजर आ रहे हैं कि इस सब मामले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी अवाम का हाथ है। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि किस तरह अब आगे के मैचेस इंटरेस्टेड होने जा रहे हैं, क्योंकि भारत को अपने दोनों मैचेस जीतने भी हैं और कम से कम एक मैच बड़े मार्जिन से जीतना है। इस वक्त पॉइंट टेबल पर श्रीलंका पहले नंबर पर है क्योंकि उसने एक अच्छे मार्जिन से अपना सुपर फोर का मैच जीता था, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर इस वक्त भारत है। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय मीडिया इस सारे मामले पर क्या मौकफ पेश कर रहा है और किस तरह पाकिस्तान के लिए दुआएं की जा रही हैं वो भी दिखाते हैं, मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। टीम इंडिया को भले ही ग्रुप स्टेज में सुपर फोर के स्टेज में पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अभी भी टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुमकिन है। वो कैसे मुमकिन है, पॉइंट टेबल क्या कहती है, किसको कितने मैच जीतने की जरूरत है, टीम इंडिया को क्या करना है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो टीम इंडिया को यह सुनिश्चित करना है कि वो अपने बाकी बचे दोनों मैच जीते, 6 तारीख को श्रीलंका से, 8 तारीख को अफगानिस्तान से, और अगर पॉसिबल हो पाए तो किसी एक टीम को बड़े अंतर से हराए ताकि उसके पॉइंट्स 4 हो जाएं। और ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली कोशिश टीम इंडिया को क्या करनी है कि उसके 4 पॉइंट हो जाएं और उसने 2 मैच जीतने हैं अपने बाकी बचे। उसके बाद उसको दुआ ये करनी है कि पाकिस्तान श्रीलंका और अफगानिस्तान को भी उसी तरीके से हरा दे जिस तरीके से उसने इंडिया को हराया। अगर पाकिस्तान श्रीलंका और अफगानिस्तान को हरा देता है तो पाकिस्तान नंबर 1 पर पहुंच जाएगा और सबसे पहले फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर फिर टीम इंडिया पहुंच सकती है अगर टीम इंडिया दोनों को हरा देती है। जैसे श्रीलंका अभी कॉन्स्टेबल में नंबर 1 पर है, लेकिन मान लीजिए पाकिस्तान उसको हराता है, इंडिया उसका हराता है, तो फिर श्रीलंका के 2 ही पॉइंट्स रह जाएंगे और वो कॉन्स्टेबल में फिर नीचे खिसक जाएगा, दूसरे नंबर पर टीम इंडिया पहुंच जाएगी। ऐसा ही अफगानिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान अभी एक भी मैच नहीं जीती है। अगर पाकिस्तान उसको हरा देता है तो भी उसके 0 ही पॉइंट रहेंगे और इंडिया भी उसको हरा देता है तो भी अफगानिस्तान के 0 पॉइंट ही रहेंगे। ऐसी सिचुएशन में टीम इंडिया 4 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर जाएगी। अब दूसरा सिनेरियो, टीम इंडिया ने श्रीलंका और अफगानिस्तान को हरा दिया तो उसके तो 4 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन अगर श्रीलंका ने अफगानिस्तान को तो हरा ही दिया है, पाकिस्तान को भी हरा दिया, तो फिर उसके भी 4 पॉइंट हो जाएंगे। ऐसे में जो नेट रन रेट है उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन तय होगा। फिर मान लीजिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता है तो इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका के तीनों के जॉइंटली 4-4 पॉइंट हो जाएंगे, फिर जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। जैसे अभी श्रीलंका का नेट रन रेट बहुत शानदार है, +0.589,
पाकिस्तान का भी प्लस में है, प्लस 0.126। पाकिस्तान अभी पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है, श्रीलंका पहले नंबर पर है क्योंकि उसका नेट रन रेट अच्छा है। टीम इंडिया तीसरे नंबर पर है, अफगानिस्तान चौथे नंबर पर है। ऐसे ही अगर टीम इंडिया अपने बाकी बचे दो मैच जीत जाती है तो उसके चार पॉइंट हो जाएंगे, और पाकिस्तान अगर श्रीलंका को और अफगानिस्तान को भी हरा देता है तो उसके छह पॉइंट हो जाएंगे। इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे फाइनल के। तो बस आपको दो दुआ करनी, पहली तो इंडिया अपने बाकी बचे दो मैच जीत जाए, और दूसरी दुआ पाकिस्तान भी अपने बाकी बचे मैच जो ग्रुप स्टेज के हैं सुपर फोर के, अफगानिस्तान और श्रीलंका के अगेंस्ट, बस वो जीत जाए। उसके बाद क्या होगा, 11 तारीख यानी कि अगला संडे रविवार सुपर संडे महामुकाबला टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच होगा, फाइनल होगा एशिया कप का। एशिया का किंग कौन बनेगा वो रविवार तय करेगा। फिर इंडिया के पास भी मौका होगा, रोहित के सेना के पास मौका होगा बाबर एंड कंपनी से बदला लेने का, लेकिन उसके लिए टीम इंडिया को पहले अपने दोनों मैच जीतने होंगे और दुआ करनी पड़ेगी पाकिस्तान भी अपने बाकी बचे दोनों मैच जीते। तो हम और आप तो सोच भी नहीं सकते कि एक खिलाड़ी के कैच छोड़ने पर उसका नाम खालिस्तान से जोड़ा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कुछ भी सोच सकती है और यकीन मानिए कुछ भी कर सकती है। एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले में रविवार को टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह से पाकिस्तान के बल्लेबाज आसिफ अली का कैच छूट गया और भारत ये मैच हार गया। उसके बाद अर्शदीप सिंह की आलोचना होने लगी। इस बीच आईएसआई को लगा कि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का ये बेहतरीन मौका, क्योंकि अर्शदीप सिंह टीम इंडिया में खेल रहे एकमात्र सिख खिलाड़ी हैं और अगर अर्शदीप सिंह का नाम खालिस्तान से जोड़ दिया जाए तो उसका प्रोपेगेंडा कामयाब हो सकता है। आईएसआई की कोशिश ये थी कि वो इस पूरे मामले को हिंदुस्तान वर्सेस खालिस्तान की तरह पेश करे, वो भारत के बारे में पूरी दुनिया को ये बताए कि वहां अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव होता है। इसलिए आईएसआई पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स के जरिए अर्शदीप को खालिस्तानी बताने लगी, फेक अकाउंट्स बनाकर पाकिस्तान की ट्रोल आर्मी लगातार ट्वीट्स करने लगी, और इतना ही नहीं अर्शदीप सिंह का विकिपीडिया पेज भी बदल दिया गया। तो हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हो या फिर पाकिस्तान में फेक अकाउंट्स, आपको याद होगा मोहम्मद शमी के खिलाफ भी पाकिस्तान द्वारा एक दुष्प्रचार किया गया था भारत को लेकर। लगातार पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है और जो फेक अकाउंट्स हैं वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं और बार बार ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि भारत में माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक सेफ नहीं है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मोहम्मद शमी को किस तरह से पाकिस्तान में जो फेक अकाउंट्स थे उनके माध्यम से ट्रोल किया गया था, और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि भारतीय जनता जो है, भारतीय फैंस जो है, वो सम्मान नहीं करते हैं अपने क्रिकेटर्स का, और एक बार फिर से यही नापाक साजिश की गई है पाकिस्तान द्वारा।